नंबर है जी 39 हमारा। आज के लेक्चर में हम पहले होम असाइनमेंट आपकी डिस्कस करेंगे, जिसमें आई कैप के और पास्ट पेपर के क्वेश्चन शामिल हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, जो कि है शेयर एंड इट्स टाइप्स। अच्छा, आगे चलने से पहले एक छोटी सी करेक्शन आपको करवाना चाहता हूं। आप का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के नंबर हैं, ये डिफरेंट है, इनको ठीक कर लीजिए। ये एलओ वन ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एलओ फोर लिखा गया, हालांकि एक के बाद दो आता है, तो यहां पे इसको एलओ टू कर लीजिए। और फिर इसके बाद एलओ टू है, इसको आप क्या करेंगे, एलओ थ्री करेंगे। और फिर इसके बाद एलओ थ्री आ रहा है, राइट साइड लाइबिलिटीज ऑफ शेयर, इसको क्या करना है, एलओ फोर कर दीजिए। बिल्कुल, फाइव को फाइव ही रहने दीजिए, पहला और आखिरी ठीक है, दरमियान वाले चेंज। अच्छा, इसी थोड़ा आगे पीछे होने की वजह से ना, एक क्वेश्चन है जो करवाना बाद में था लेकिन असाइनमेंट में पहले दे दिया, वो कौन सा वाला है पता? हाँ, क्वेश्चन फोर। हाँ, इसमें इसका समझ लीजिए 75% आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट आप नहीं कर सकते, लास्ट वाला। हाँ जी, ठीक है। तो असूली तौर पे इस तरह के क्वेश्चंस को हम बाद वाले कंसेप्ट के साथ मिलाते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया ना, चलिए जो हाजिर है वो गायब वालों को भी ये पैगाम पहुंचा दे, क्या कि ये इसमें करेक्शन करना है। अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो, कुछ नहीं जी जी पूछिए। शाबाश। प्राइवेट कंपनी के पास बाय बैक ऑफ शेयर की ऑप्शन नहीं है, बाय बैक ऑफ शेयर की ऑप्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में है। और ये मेरा भाई मुझे बताएगा, बाय बैक ऑफ शेयर में और कैंसलेशन ऑफ शेयर में क्या फर्क है? ये मेरा भाई नहीं, आप देखेगा भी नहीं इधर, क्या फर्क है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स में और बाय बैक ऑफ शेयर्स में, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। क्यों नहीं कोई फर्क है? फर्क है। ये भाई साथ वाला बताएगा मेरा, उसमें किसमें? हाँ, बाय बैक। अच्छा, बाय बैक में क्या होगा? जिन बाय बैक में जो शेयर इशू हो चुके हैं वो कंपनी खुद बाय कर लेती है और फिर उनको खत्म कर देती है। कैंसलेशन ऑफ शेयर्स में क्या होते हैं? वो शेयर जो अभी इशू नहीं हुए वो कैंसिल किए जाते हैं, ठीक है, वो रिड्यूस किए जाते हैं, ये फर्क है। तो बाय बैक की ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? लिस्टेड कंपनी के पास, जबकि कैंसिलेशन वाली ऑप्शन हर एक तरह की कंपनी के पास है। हाँ जी, हैव नॉट बी टेकन अप बाय एनी पर्सन का मतलब यही है, कैंसिलेशन जो भी इशू नहीं किए कंपनी ने इशू करने, दूसरों ने टेकअप करने। ओके, और कोई क्वेश्चन? तो कोई क्वेश्चन नहीं, पास पेपर की डिस्कशन करते हैं। होम असाइनमेंट की आपने? Yes, sir. कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट की है? हाथ उठाए। ये ले आदेश रिटर्न ने। अच्छा, इसे कहते हैं आप बैल मुझे मार, खड़ा हो जाओ। कितने का बैठ जाओ भाई, कितनी दफा समझाऊं, असाइनमेंट होती है तो रिटर्न होती है, जुबानी गुलामी नहीं होती। Yes, sir. वरना आई कैप के सामने जाके कहें आई कैप का रिजल्ट वाले दिन मुझे पास क्यों नहीं किया, वो कहेगा लिखा ही कोई नहीं था आपने स्क्रिप्ट का, कहने जुबानी गुलामी तो मैंने सॉल्व कर लिया सारे क्वेश्चन। आई कैप के एग्जाम में बैठ के जुबानी गुलामी सारे क्वेश्चन सोल्व करने आई कैप पास कर देगा? करेगा पास? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जुबानी गुलामी कोई असाइनमेंट नहीं होती, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन जबानी कलामी नहीं होता। आपको लग रहा होता है सारा कुछ ठीक समझ आ रहा है, क्वेश्चन करने बैठे फिर पता चलता है यहाँ से 10 जगह पे बंदा फंस जाता है। जब मैच छोड़ता था काउंटिंग में यही होता था, वो क्वेश्चन पढ़े सोल्यूशन पढ़े सारी फिगर मैच हो रही होती है। कैलकुलेशन कैसे हुई, एक फिगर से दूसरी फिगर जाना कैसे है पता नहीं चलता था। पर फिर कुछ होता था जिसे हम आईकॉम में कहा करते थे, बीकॉम में हिडन एडजस्टमेंट्स, कुछ क्वेश्चन के अंदर हिडन, यानी वो सरसरी तौर पर नजर नहीं आती। वो इसकी एक एग्जांपल होती थी, 10% लोन के साथ लिखा होता 10% और नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता था। इसका मतलब क्या, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। इस तरह की चीजें जब तक आप लिखते नहीं है ना, आपको उनकी पता नहीं चलता। तो क्वेश्चन सिर्फ केस स्टडी का सोल्यूशन पढ़ने से समझ नहीं आएगी, उसको लिखेंगे सोल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, तब क्या चीज एड है क्या चीज लेस है। और असल लर्निंग होती है जब आप ये सीख रहे होते हैं कि जो आपने एडिशनल लिखा है वो ठीक है कि नहीं, और जो कम लिखा है वो क्यों कम लिखा है। ये जो डिफरेंस आता है ना, जहां पे सोल्यूशन मैच होता है वो नहीं देखना आपने, जहां पे आपका सोल्यूशन बुक वाले के साथ डिफरेंट है उस पे सोचना है, उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है।
असल लर्निंग वहां से होती है। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ चले जो आपको होम असाइनमेंट दी थी। क्वेश्चन टू कह रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज गॉट एन ऑथराइज्ड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 500 मिलियन। रुपीज 500 मिलियन में और 500 मिलियन में फर्क है? हाँ जी, रुपीज का मतलब ये टोटल है, डिवाइडेड इंटू 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। सही भी लिख दिया है। आउट ऑफ टोटल, अभी से आगे बात बता रहा है, आउट ऑफ टोटल ऑथोराइज कैपिटल रुपीज 200 मिलियन इज ऑलरेडी पेड अप। 500 मिलियन ऑथोराइज है, इश्यूड एंड पेड अप कितना है? 200 मिलियन। कैन कंपनी सब डिवाइड इट्स शेयर इंटू शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच? बिल्कुल। अच्छा, किसको? इश्यूड वालों को कि सबको? सबको, सब डिवाइड को। इश्यूड वाले भी हो जाएंगे, बाकी वाले भी हो जाएंगे, ठीक कर सकते हैं। Will shareholders right increase or decrease after conversion of shares into smaller? वो पर shareholders rights will not be affected because of subdivision or consolidation। ये लाइन लिख देनी है, ये लाइन ज्यादा क्लियर है मैसेज। फिर इसके बाद आगे लिख देना है क्या के shareholders right after subdivision shall be proportionate to as they were before subdivision। क्लियर? यानी ये कहना के शेयर के राइट्स इक्वल होंगे ये गलत है, प्रोपोर्शनेट होंगे। यानी अगर शेयर्स 10 शेयर मिला के एक शेयर बना रहे हैं तो राइट्स 10 गुना बढ़ जाएंगे, अगर सब डिवीजन कर रहे हैं 10 शेयर बना रहे हैं तो 10 गुना कम हो जाएंगे। बी कंपनी डिड नॉट रजिस्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हाउएवर इट्स वांट्स टू रजिस्टर प्रेफरेंस शेयर ऑफ 250 मिलियन नाउ, कैन इट डू सो? कैन इट डू सो? कंपनी के पास पहले, अच्छा मुझे ये बताइए ऑर्डिनरी शेयर जो शेयर कैपिटल क्लॉज होती है मेमोरेंडम में, इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स लिखे जाते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स भी? दोनों लिखे जाते। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी की मर्जी है, कुछ कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कुछ के नहीं होते। अगर तो आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर तो करवा लें, नहीं करवाना चाहते तो ना करवाएं। इसे लॉ ये कहता है कि शेयर कैपिटल की दो काइंड्स हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हर लिमिटेड बाय शेयर कंपनी का होगा, प्रेफरेंस शेयर मर्जी है, चाहे रजिस्टर करवाएं चाहे ना। लेकिन अगर रजिस्टर करवाएं तो ये भी शेयर कैपिटल क्लॉज में लिखा जाएगा, यानी ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है ना ये उसका हिस्सा होगा, ऑर्डिनरी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी केस में दोनों शेयर्स हो, ऑर्डिनरी भी हो प्रेफरेंस भी हो किसी कंपनी के? हो सकता है कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी, लेकिन उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, हाँ, वो इस सूरत में ऑथोराइज शेयर कैपिटल की हेडिंग के नीचे एक नहीं होता ऑर्डिनरी शेयर ऑफ रुपीज 100 × 5 मिलियन, बल्कि दो लाइन आती है। दूसरी लाइन कौन सी होती है? प्रेफरेंस शेयर की। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी के ऑथोराइज कैपिटल क्लास में सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो प्रेफरेंस ना हो? ये भी हो सकता है कि उसने प्रेफरेंस रजिस्टर। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स हो ऑर्डिनरी ना हो? ये नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स हो ऑर्डिनरी ना हो, ये नहीं हो सकता। और पहले ऑर्डिनरी होंगे फिर इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो प्रेफरेंस भी करवाएं वरना ना करवाएं। अच्छा, कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी का ना ऑर्डिनरी शेयर हो ना प्रेफरेंस? ऐसा भी हो सकता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के केस। तो ये जहन में रखिएगा, समटाइम दोनों तरह का शेयर कैपिटल हो सकता है, ऑर्डिनरी भी प्रेफरेंस भी। समटाइम सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होगा, समटाइम ऑर्डिनरी प्रेफरेंस दोनों, और समटाइम दोनों ही नहीं होंगे नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के केस में आगे। लेकिन अगर होंगे तो दोनों कहां लिखे होंगे? शेयर कैपिटल में। अच्छा, शेयर कैपिटल क्लास में याद रखें कंपोजिशन लिखी होती है, नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू और टोटल। जो इन शेयर्स के साथ राइट्स होते हैं ना, हर शेयर के राइट्स होते हैं ना, वो मेमोरेंडम में नहीं लिखे होते हैं, वो आर्टिकल्स में, वो ज्यादा डिटेल वाली इंफॉर्मेशन है ना, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होंगे। क्लियर? ये सारी डिस्कशन आपको बताना जरूरी थी। अब आगे चलते हैं, एक मिनट मैं ये क्वेश्चन को कंक्लूड कर लूं। कंपनी डिड नॉट रजिस्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कहता है स्टार्ट में प्रेफरेंस शेयर रजिस्टर नहीं करवाया, बाद में करवा सकते हैं? यस, करवा सकते हैं। दो ऑप्शंस है, एक क्या है कि टोटल शेयर कैपिटल उतना ही रहने दें और इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी टोटल 500 मिलियन ही रहे, इसमें से 250 प्रेफरेंस हो जाए,
क्या प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन अवेलेबल है? बिल्कुल है, 500 में से 200 इशू है, 250 प्रेफरेंस शेयर में करवाना, ये करवा सकते हैं, ठीक है। सब डिवीजन इसे जिसे आप कर रहे हैं, वैसे ये टेक्निकली सब डिवीजन नहीं है, क्योंकि सब डिवीजन होते हैं एक शेयर के हिस्से करना, ठीक है, लेकिन कंसर्न समझने के लिए कैसे। दूसरी ऑप्शन क्या है? इनक्रीज इन शेयर कैपिटल। वो क्या है कि ऑर्डिनरी शेयर 500 का 500 ही रहने दो, उसमें मजीद 200 मिलियन शेयर्स का ऐड कर दो, 250 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स का ऐड कर दे, ठीक है। तो टोटल ऑथोराइज इस ऑप्शन में कितना हो जाएगा? 750 दोनों, लेकिन बार बार ऐड कर सकते हैं, शुरू में नहीं भी करवाया तो बाद में कर सकते हैं। जी आप पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ, क्वेश्चन उनका ये है, थोड़ा अकाउंटिंग और फाइनेंस का है, लॉ का नहीं है, कि क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो तो फिर कंपनी कैसे मैनेज करेगी कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इतने ज्यादा इशू कर दे कि इंटरेस्ट वगैरह पे करने के बाद इनको डिविडेंड देने के पैसे ही ना बचे। तो ठीक है, ना बचेगा नहीं मिलेगा डिविडेंड, क्या टेंशन है, शेयर होल्डर्स को। यही तो फर्क है शेयर होल्डर में और डिबेंचर होल्डर में, कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, इंटरेस्ट के बाद अगर कोई पैसे बचते हैं तो फिर डिविडेंड मिलेगा, वरना डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके बारे में मजीद डिफरेंस जो है ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस में भी फर्क है डिविडेंड का, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। जी जब कंसोलिडेशन या सब डिवीजन होती है तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पता होता है कि पहले क्या राइट्स थे, अब क्या राइट्स हैं, इसलिए कि ये ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर ने फैसला किया तो फौरी तौर पे कंसोलिडेशन या सब डिवीजन हो गई। इसमें राइट्स वेरी बाजुकात ये इसमें समटाइम ऐसा होता है कि मेमोरेंडम को भी चेंज करवाने की जरूरत पड़ती है या आर्टिकल्स को भी चेंज करवाने की जरूरत पड़ती है, तो उस सूरत में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती है, ठीक है। जैसे आप इस सिचुएशन में देखें, बी वाली सिचुएशन में, अब इसमें मेमोरेंडम की अल्टरेशन हो रही है ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन के भी तो मेंबर्स को पता चल जाएगा क्या चक्कर चल रहा है, क्या चेंज हो रहा है। जी वो ऑर्डिनरी शेयर की फर्दर क्लासेस भी होते हैं, वो अभी हम स्टडी करेंगे, अभी स्टडी करेंगे, वो आज के लेक्चर का हिस्सा है। नेक्स्ट, JKL लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹500 मिलियन डिवाइडेड इनटू 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ब्रेकअप दे रहा है कंपोजिशन। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मार्केटेबिलिटी ऑफ कंपनी शेयर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सजेस्टेड दैट सब डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर पार वैल्यू ऑफ ₹10 ईच विदाउट चेंजिंग द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द शेयर कैपिटल। टोटल पेड अप कैपिटल चेंज नहीं होगा, शेयर को सब डिवाइड करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट वॉज पास बाय कंपनी इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 24th October 2022। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई। जब आपने सब डिवीजन करनी होती है, कंसोलिडेशन करनी होती है, क्या इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होती है? पढ़ा था हमने, प्रोसीजर भी बढ़ गया, टाइप्स भी बढ़े तो प्रोसीजर भी बढ़ गया। कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई, इस वाले से किसको फाइल करनी है डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट टू स्पेशल रेजोल्यूशन और कब करनी है? रजिस्ट्रार को करनी है। अच्छा, आप इसमें यह जहन में रखिएगा दो चीजें, एक है स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई उसकी कॉपी, ये अलहदा डॉक्यूमेंट है। एक है इस स्पेशल रेजोल्यूशन की वजह से जो मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में आल्ट्रेशन आई, तो अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल ये अलहदा डॉक्यूमेंट्स है, जेल में रखिएगा। जब कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है, देखिए कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी होती हैं जिनसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्टरेशन होती है, कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी होती है जिनसे मेमोरेंडम आर्टिकल्स की अल्टरेशन नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने है, अगर हमने शेयर कैपिटल क्लास चेंज करनी है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन है, मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज हो रहे हैं। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स में चेंज नहीं हो रहा। तो इसीलिए स्पेशल रेजोल्यूशन अलहदा कंसेप्ट है, अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल अलहदा कंसेप्ट। बताइए यहां तक साथ है मेरे? अब आगे चले, जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ये जब पास होती है तो आपने पास होने के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी सबमिट करवानी है। अब सोच के बता मेरा भाई, स्पेशल रेजोल्यूशन छोटी डॉक्यूमेंट है कि अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, दोनों में से कौन सी डॉक्यूमेंट छोटी कौन सी बड़ी? स्पेशल है छोटी, एक सफे की होती है स्पेशल रेजोल्यूशन,
और मेमोरेंडम आर्टिकल 150-200 सफ़े, वो 30 दिनों स्पेशल रेजोल्यूशन आपने वो भी रजिस्ट्रार को देनी है, अल्टर मेमोरेंडम भी रजिस्ट्रार को देनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन का रूल क्या है, एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन कॉपी टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज, और अगर अल्टरेशन हुई मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में तो अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स 30 डेज। क्लियर भाई, मेरा कंसर्ट खत्म नहीं हुआ प्यारे भाई, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे भाई, ये बात समझ आ गई। लेकिन मुझे ये बताइए प्रैक्टिकली, अगर आप दोनों काम इकट्ठे करना चाहें क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कितने दिन में? विद इन 15 डेज में, विद इन 30 डेज में दोनों नहीं हो, विद इन 30 डेज में लॉ की वायलेशन हो जाएगी, विद इन 15 डेज में नहीं होगी। इसलिए अगर आप जल्दी कर ले, इक्का दुक्का सिचुएशन पे लॉ ने कह दिया कि स्पेशल रेजोल्यूशन भी और अल्टरनेट मेमोरेंडम भी फाइल कर दो 15 दिन में, तो वो अच्छी बात है, एक साथ कर देंगे, लेकिन दोनों 30 डेज में कभी भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में वो क्या कहता है, शेयर कैपिटल में कहता है भाईजान आपने अल्टरेशन भी करनी है और स्पेशल रेजोल्यूशन भी, तो दोनों 15 डेज में कर दे फाइल। जहां पे लॉ ने कह दिया कि दोनों काम इकट्ठे कर ले, हम इकट्ठे कर लेंगे, वरना जनरल रूल क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी फाइल्ड विद इन 15 डेज, अल्टरनेट मेमोरेंडम आर्टिकल्स का टाइम 30 डेज। और की क्वेश्चन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, डायरेक्टर्स ऑफ शेरवानी लिमिटेड विश टू इंक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी फ्रॉम 100 मिलियन टू रुपीज 200 मिलियन। अच्छा बताइए, ये भाईजान 50 रुपए ही नाम, सवाल भी छोटा सा, ये कॉर्नर वाले भाई बताएंगे, क्या प्राइवेट कंपनी अपने ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को मजीद शेयर इशू करे? कर सकती है, लिमिटेड बाय शेयर नहीं कर सकते, उसको पब्लिक करना पड़ेगा। गलत कंसेप्ट भाई का, कंसेप्ट ठीक है। मैंने ये कहा था कि प्राइवेट कंपनी अपने ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। मैंने कहा था इशू कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। मैंने ये नहीं कहा था जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है कि नहीं। अगर केस स्टडी में जनरल पब्लिक का लफज होना तो फिर हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं, लेकिन अगर सिर्फ लफज हो इशू का तो कर सकते, शेयर कैपिटल है तो इशू करने के लिए है, अपने पास रखे क्या करेगी। ठीक है, तो ये फर्क ध्यान में रखेगा। बाज बात एक है कि दो दो लफज होते हैं सीला की केस स्टडी में, जिसकी वजह से केस स्टडी चेंज हो जाती है। आपने चीफ एग्जीक्यूटिव की केस स्टडी और डायरेक्टर की केस स्टडी में कुछ क्वेश्चन में ऐसे देखा होगा, एक एक दो अल्फाज के साथ। उसी तरह शेयर कैपिटल में भी ऐसे है, पब्लिक है कि प्राइवेट है, जनरल पब्लिक का लफज है, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, इन इन अल्फाज से फर्क पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है केस स्टडी को पढ़ते पढ़ते मैं आपको बताता जाऊं कि इस लफ्ज को अंडरलाइन करें, ताकि आपको पता चले कि इन अल्फाज के चेंज होने से हमारा कंसेप्ट, हमारा सोल्यूशन चेंज होता है। तो इंक्रीज करना है ऑथोराइज कैपिटल ऑफ कंपनी फ्रॉम, अब ऑथोराइज को अंडरलाइन कर लें, ऑथोराइज लफ्ज से पता चल गया कि ये अल्टरेशन इन मेमोरेंडम पक्की है। अगर कहता ना इश्यूड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, फिर हो सकता है, फिर कंफर्म नहीं था, क्योंकि दो अब टोटल 500 है, 200 से 300 पे जाना है, तो फिर अल्टरेशन इन मेमोरेंडम नहीं है। अब यहां पे उसने इश्यूड शेयर कैपिटल इंक्रीज करने के लिए कौन सा कहा है, ऑथोराइज, रुपीज 100 में से 200 मिलियन, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म देम अबाउट रेलिवेंट प्रोविजन रिगार्डिंग इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट 2017, इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल। अब देखिए उसने कहा है इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल के बारे में बताओ, तो बता क्या बताएंगे हम, कि इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसके लिए मेमोरेंडम में अल्टरेशन करनी पड़ेगी, और फिर अल्टरेशन के प्रोसीजर बताएं कौन कौन से प्रोसीजर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाए, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी अल्टर मेमोरेंडम के साथ विद इन 15 डेज, ये इकट्ठी भेज, क्लियर। हाँ वो वाली बात जरूर लिखे, वो वाली बात तो जरूर लिखे, वो तो मैं भूल, ये शाबाश, इंक्रीज वाली बात, कौन सी वाली बात वाला गई है इन्होंने, कौन सी वाली बात लिखेंगे, इंक्रीज इन शेयर वाली, अब ये देखिए इंक्रीज इन शेयर वाली नहीं, कौन सी वाली बात, कौन सी वाली बात थी,
चल दे दिया राइट्स की बात जरूर करने, राइट्स वाली बात जरूर करने, ठीक है। जब कभी शेयर्स में चेंज आ रहा हो राइट्स वाली बात हमने जरूर करनी, लेकिन यहाँ पे तो सब डिवीजन या कंसोलिडेशन हो ही नहीं रही, तो यहाँ पे राइट्स वाली बात लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन वैसे लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जहां कहीं सब डिवीजन और कंसोलिडेशन हो राइट्स वाली बात भी करें। राइट्स वाली लाइन क्या थी भला, के शेयर होल्डर राइट्स विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू सब डिवीजन और कंसोलिडेशन, ठीक है। राइट्स विल बी प्रोपोर्शनेट, राइट्स ऑफ न्यू शेयर शैल बी प्रोपोर्शनेट एज कंपेयर टू ओल्ड शेयर। फोर, सेगा लिमिटेड एसएल ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को अंडरलाइन करें, हैज टू क्लासेस ऑफ ऑर्डर। अब ये है तो आपको बाद में लर्निंग ऑब्जेक्टिव फोर के बाद, तो ये आज ही करवा दूं या बाद में करें? चलो इसको बाद में, इसके साथ पेंडिंग लिख लें। ये आ गया चैप्टर वन वॉल्यूम टू, चैप्टर वन का क्वेश्चन। चैप्टर वन का क्वेश्चन हम क्यों करते हैं? ताकि वो भूल ना जाए, रिवीजन होती रहे। सेडान लिमिटेड ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी को अंडरलाइन कर लें। हैविंग ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को भी अंडरलाइन कर लें, गारंटी को भी अंडरलाइन। हैज बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर द लास्ट थ्री इयर्स। इनिशियली एसएल हैड फोर डायरेक्टर एंड मेंबर्स, यानी चार डायरेक्टर चार ही मेंबर, ए बी सी एंड डी। ऑन 1st जुलाई 2012 सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हिज शेयर टू डी। सी ने सारे शेयर किसको ट्रांसफर कर दिए? ऑन 1st मार्च 2013 ए बी एंड सी डिसाइडेड टू वाइंड अप द कंपनी वॉलंटरली। उन्होंने डिसाइड किया कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, ठीक है। वॉलंटरली का मतलब है खुद से फैसला किया, यानी किसी क्रेडिटर ने कोई जोर नहीं डाला था, किसी बैंक ने गवर्नमेंट ने जोर नहीं डाला था, खुद से उन्होंने फैसला, ठीक है कर ले। एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ ए बी सी एंड डी। अच्छा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दो हिस्सों में जाएगा, ए बी और डी अलहदा, सी अलहदा। ये फर्क हमने क्यों किया, ए बी डी की लाइबिलिटी अलहदा सी की अलहदा क्यों किया? क्योंकि सी छोड़ के चला गया है, अब वो डिफरेंट होगा, उसका स्टेटस डिफरेंट हो गया, उसको अलहदा डिस्कस करेंगे। ए बी और डी की लाइबिलिटी बता दीजिए पहले, क्या लाइबल है? ए बी और डी लाइबल है अप टू विच अमाउंट? अप टू अमाउंट एग्री टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ, शाबाश। लेकिन एक चीज भूल गया, हाँ, चूंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सॉरी, कंपनी का शेयर भी है तो शेयर्स की भी लाइबिलिटी बताएंगे। शेयर्स की क्या लाइबिलिटी होगी? अप टू अनपेड अमाउंट, अप टू अनपेड अमाउंट। सी की लाइबिलिटी डिस्कस करें, सी की क्या लाइबिलिटी है? क्या मेरा तो खैर सी की कोई लाइबल तो निकल गया हुआ है, सी अभी भी लाइबल है, साबित करें कैसे? पहले हम लिखेंगे सी इज स्टिल लाइबल एज वन ईयर हैज नॉट पास सिंस ही सीज टू बी ए मेंबर, ठीक है। अभी एक साल नहीं गुजरा, वो अभी भी लाइबल है, पहले उसको बता दिया लाइबल है कि नहीं से। अब बताना है किस चीज के लिए लाइबल है। सी इज लाइबल टू पे अप टू अमाउंट एग्री टू कंट्रीब्यूट इन डायमंड्स ऑफ फॉर डेट्स विच वर कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर ही सीज टू बी अ मेंबर। क्लियर हुई बात? बिफोर ही सीज जी थे, क्या उनमें सी की रजामंदी शामिल थी? उसमें सी किसी किस्म का देनदार नहीं, उसमें नहीं होना चाहिए ना, यानी जो बैंकों से लोन पहले लिए हुए हैं उनको वो अदा करने का पाबंद है सी, जितना उसका हिस्सा बनता है। लेकिन जो लोन बाद में लिए गए हैं उनको अदा करने का सी पाबंद नहीं है, वो ए बी और डी पाबंद है। तो लाइबिलिटी में आपने एक तो अमाउंट को सहन में रखना है, किस अमाउंट तक लाइबिलिटी, और दूसरा टाइम को भी, किस टाइम तक के डेट की लाइबिलिटी है। दोनों चीजें आपके सोल्यूशन का हिस्सा होनी चाहिए। लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट जब टेस्ट करता है, आपने पहले भी दो तीन क्वेश्चन किए होंगे, उनमें हमेशा वो इस कंटेक्स्ट में केस स्टडी बनाता है कि एक पर्सन को वो रिमूव करवा देता है कि आप छोड़ गया वो। क्लियर जी? नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, ऐसा करते हैं अब इसको बाद में करते हैं।
कल करते हैं, हाँ काफी है, ठीक है। आज का कंसेप्ट है हमारा, अच्छा एक चीज में रखिएगा, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हमारे लेक्चर का तकरीबन आधा हिस्सा पास्ट पेपर की डिस्कशन में लग जाता है। ये पास्ट पेपर की डिस्कशन याद रखें ये ज्यादा अहम है कंसेप्ट से, कंसेप्ट सिर्फ लेवल वन है, जो प्रैक्टिस होती है ना ये डिस्कशन, ये लेवल टू है, नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। ये आपको इंश्योर करता है, वरना तो देखें मेरी अपनी जिंदगी आसान में है और आपकी भी जिंदगी आसान में होगी, आसानी में, कि हम क्वेश्चन को डिस्कस ही ना करें, ठीक है। आधा घंटा बिल्कुल 40 मिनट लेक्चर हो, मैं 15 मिनट लेट आया करूं और 30-35-40 मिनट निपटा के साथ, लेकिन ये मुझे एज टीचर अंदाजा है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा अहम है। ये आपको बताते हैं कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बना रहा है, आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और इसमें कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं माने से। आप देखें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व ना हो, तो इससे कंसेप्ट भी हमारे रिवाइज हो जाते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं शेयर एंड इट्स टाइप्स। शेयर क्या होता है और शेयर की टाइप्स कितनी है। शेयर तो आपको पता ही है, शेयर किसे कहते हैं, कि कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल को स्मॉलर पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है। ये जो स्मॉलर टोटल कहलाता है शेयर कैपिटल, और ये स्मॉलर पार्ट कहलाते हैं शेयर, और जो इनकी फेस वैल्यू होती है, हम नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें टोटल शेयर कैपिटल आ जाता है। तो हमें पहले वो कंसेप्ट हमारा रिफ्रेश करवा रहा है, हालांकि कल भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, फिर रिफ्रेश करवा रहा है कि टोटल शेयर कैपिटल, शेयर क्या है, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉलर पार्ट, तो ये हर पार्ट क्या कहलाता है, शेयर्स। लेकिन याद रखिएगा प्रैक्टिस में ना थ्योरेटिकली डिस्कस करते हुए हम बाजूकात ये कहते हैं एक शेयर भी ले लिया, दो शेयर, प्रैक्टिकली हर कंपनी ने अपना एक बैच या लॉट बनाई होती है, आपको शेयर उस क्वांटिटी में खरीदने होते हैं। ज्यादातर कंपनीज ने 1000 शेयर की लॉट बनाई होती है, कुछ ने 500 की भी। इसका मतलब है आप जब जैसे आप एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, कुछ भी पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली 500 के मल्टीपल्स में निकलवा सकते हैं, दरमियान में नहीं, कोई 500 निकलवाए या 1000 निकलवाए। इसी तरह जो शेयर जब आप प्रैक्टिकली खरीदने जाएंगे तो एक शेयर की प्राइस ऐसे बताएंगे एक शेयर 15 रुपए का है, लेकिन आप 15 रुपए देंगे एक शेयर मिलेगा नहीं, कहेंगे सर कम से कम 500 शेयर खरीदना पड़ेगा। तो वो जो 500 शेयर आप खरीदते हैं ना, वो आपको अब चूंकि आपको पता है थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट, पुराने जमाने में सिस्टम और था, पुराने जमाने में हर शेयर आपको फिजिकल फॉर्म में मिल जाता था, ठीक है। अब वो कहते हैं पेपरलेस एनवायरमेंट की तरफ जाएं, पेपरलेस या कम से कम पेपर यूज हो। अब जब आप किसी कंपनी के 500 शेयर खरीदेंगे ना, वो आपको 500 शेयर नहीं भेजेंगे, वो आपको एक सर्टिफिकेट भेजेंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप इस कंपनी के 500 शेयर्स के मालिक हैं। उन शेयर्स के नंबर भी लिखे होंगे, जैसे करेंसी नोट के नंबर होते हैं ना, सीक्वेंशली प्री नंबर, उन शेयर्स के नंबर भी लिखे होंगे, हर शेयर का अलग नंबर होता है, लेकिन आपको फिजिकली 500 सफे नहीं मिलेंगे, एक ही सफा मिलेगा जिसके ऊपर नंबर 500 के आप 16501 से लेके 16600 तक शेयर्स के मालिक है कंपनी में, उसके नीचे डायरेक्टर के साइन होंगे, उस एक सफे को कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। तो याद रखें प्रैक्टिकली आपके पास, आप शेयर होल्डर हैं, इसका सबूत आपके पास शेयर्स नहीं होंगे, शेयर सर्टिफिकेट होगा, शेयर सर्टिफिकेट होगा, क्लियर हो गया शेयर्स में और शेयर सर्टिफिकेट में फिर समझ आ गया। चलिए बहरहाल शेयर सर्टिफिकेट तो एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट था, वापस शेयर्स की तरफ आते हैं। शेयर्स की कंपोजिशन कुछ इस तरीके से होती है कि 500 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इज इक्वल टू, नहीं ठहर जाए, हाँ डिवाइड है नहीं, ये ऐसे नहीं होता, इसको ऐसे करते, एक मिनट ठहर, अभी ठीक हो जाते, अभी ठीक हो जाते, नो प्रॉब्लम। 500 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इज इक्वल टू 500 मिलियन। असल में वो उन्होंने डिवाइड करके कर, इक्वेशन वही है, वो डिवाइड करके कहते हैं, लेकिन चूंकि मेमोरेंडम में जिस कंपोजिशन में लिखा होता है मैं वही आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये है 5 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इज इक्वल टू 500 मिलियन रुपीज, ये ठीक होगा, क्लियर। ये नंबर ऑफ शेयर्स 5 मिलियन फेस वैल्यू, और ये क्या है, शेयर कैपिटल, क्लियर जी।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर, कह रहे शेयर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। जैसे कंपनी के फीचर्स पढ़े थे ना, शेयर्स के फीचर्स होंगे। कह रहे पहले शेयर इज ए फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा पहले प्रॉपर्टी को दे, प्रॉपर्टी अकाउंटिंग करते हैं ना हम दिन रात, तो प्रॉपर्टी से आता है बिल्डिंग, एक लैंड उसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है हमेशा। तो यहां ये शेयर पे बिल्डिंग थोड़ी होती है। याद रखे लॉ में लफज प्रॉपर्टी से मुराद होता है एवरी एसेट, एवरी एसेट, ठीक है, और क्रेडिटर से मुराद होता है एवरी लाइबिलिटी। तो कह रहे शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा काउंटिंग में आप एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, करंट और नॉन करंट, वो काउंटिंग में होती है। लॉ में क्लासिफिकेशन होती है मूवेबल और इमूवेबल। कहता है पहला शेयर इज ए प्रॉपर्टी, एग्री करते हैं, एसेट है। दूसरा ये मूवेबल है कि इमूवेबल, मूवेबल। मूवेबल का मतलब क्या, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और चूंकि प्रॉपर्टी है तो हर प्रॉपर्टी के साथ कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज होती है ना। जैसे ये बिल्डिंग भी एक प्रॉपर्टी है, ये नहीं कि ये प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी। लॉ में प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हर एसेट आता है, तो शेयर भी एक प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग भी एक प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग के कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, राइट है हम रह सकते हैं उसमें, इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, लाइबिलिटी भी है, क्या टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। हर प्रॉपर्टी के राइट्स और लाइबिलिटी है, क्या शेयर्स के भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, बिल्कुल है, ठीक है। तो शेयर्स क्या है, शेयर इज ए फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का मतलब समझ आया, प्रॉपर्टी का मतलब समझ आया, कैरिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये समझ आ गया। ऑब्लिगेशन से मुराद क्या है, लाइबिलिटीज। ऑब्लिगेशन से मुराद क्या है, लाइबिलिटीज। अब चूंकि ये मैंने इसलिए थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाया, ये कंसेप्ट आगे यूज होने। मूवेबल है तो मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन ये ट्रांसफर होगी सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स, यानी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बाजुकात कहता है ट्रांसफर फ्रीली हो जाए, बाजुकात कहता है ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होगी। जैसे पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर तरीकाकार कुछ और है, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर तरीकाकार कुछ और। शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं दोनों केसेस में, लेकिन उनका तरीकाकार डिफरेंट है। तो हम इसे कहते हैं शेयर्स आर ट्रांसफरेबल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। डिस्टिंक्टिव नंबर शेयर्स के डिफरेंट, जैसे आपको बताया जैसे हमारे करेंसी नोट्स के नंबर होते हैं ना, शेयर्स के भी डिफरेंट नंबर्स होते हैं। शेयर नंबर इतने से लेके इतने तक आपके शेयर्स क्या है, फुल्ली पेयर्ड, पार्टली पेयर्ड नहीं है, पुराने जमाने में होते थे, अब नहीं है। ओनरशिप का एविडेंस आपके पास शेयर्स नहीं होंगे, शेयर सर्टिफिकेट होगा। शेयर्स में और शेयर सर्टिफिकेट में फर्क है। अच्छा उसमें सिग्नेचर होंगे ऑथराइज्ड ऑफिसर के, जो डायरेक्टर भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। एक ये चीज, शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। अब ये चले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। जब आप शेयर्स खरीदते हैं ना, तो या चले एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली हमारा ट्रेंड, हमारे जो बड़े लोग हैं ना, वो जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, ज्यादा पैसे होते हैं ऐसे, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अच्छा दो तरह के, एक वो जो प्रॉपर्टी खरीद के कहते हैं रख लेते हैं 10-15-20 साल बाद बच्चों के काम आएगी, एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं प्रॉपर्टी खरीदते हैं अच्छा ग्राहक लगा ना 2-4-6 महीने बाद इसको बेच देंगे। अच्छा जब जो जिस पर्सन ने, मैंने फर्स्ट कीजिए इन भाईजान से खरीदे प्रॉपर्टी पैसे दाकर, और मेरा मकसद है 2-4-6 महीनों बाद इनको सेल कर देना, तो मैं नॉर्मली क्या होता है, बहुत से लोग प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाते। हाँ वो क्योंकि टैक्स पे करने पड़ेंगे ना, वो कहते हैं डायरेक्ट जिसको बेचेंगे ना डायरेक्टली उसी के ओल्ड बायर से न्यू बायर के नाम पे, ताकि एक दफा टैक्स पे करना पड़े, वरना वो कैपिटल गेन टैक्स होता है, टैक्स पे शायद पड़ा हुआ आपने। उसी तरह जब हम शेयर्स खरीदते हैं ना, अगर तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने लॉन्ग टर्म इसको रखना है, हम उसे कहते हैं भाई हमें फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट भेज दो, हम अपने घर में अलमारी में रख देंगे उसको, साल हर साल बाद फिर काम है। लेकिन अगर हमारा मकसद है कि उसको बेच देना है, तो फिर हम उसे कहते हैं फिजिकली नहीं इलेक्ट्रॉनिकली हमें सेंड करो। शेयर सर्टिफिकेट फिर भी आएंगे, इलेक्ट्रॉनिकल ईमेल आ जाएगी। आप जिस तरह देखें, जिस तरह बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, फिजिकली भी करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली भी, उसी तरह शेयर सर्टिफिकेट का हिसाब है। आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, आपके नाम का शेयर सर्टिफिकेट बन जाता है, वो आप फिजिकली भी रिसीव कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी। अगर आपने लॉन्ग टर्म शेयर्स को रखना है ना, तो फिर लोग फिजिकली उसको रिसीव, और अगर आपने शॉर्ट टर्म में बेचना है उसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शंस करना, सेल परचेज करना
क्विक मेथड है, आसान है, इजीली हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ने दोनों ऑप्शन दिए हैं कि शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी। ठीक है जी, आगे चल। अच्छा, शेयर्स के बारे में कह रहा है कि शेयर्स के नंबर्स क्या होंगे, राइट्स क्या होंगे, शेयर्स ट्रांसफर कैसे होगा, और इससे रिलेटेड दूसरी चीजें, ये सारी आपको कहां मिलेगी? ये जनरल लाइन है। इस लाइन में एक सबसे अहम कंसेप्ट जो हमारे फ्यूचर में काम आएगा ना, वो ये कि इसी लाइन से हमें ये भी पता चल रहा है कि शेयर्स के साथ जो राइट्स अटैच होंगे, जब उसने कहा ना शेयर से रिलेटेड जितने भी अदर मैटर्स हैं कहां लिखे होंगे, तो इसका मतलब है शेयर के साथ, शेयर की फेस वैल्यू तो मेमोरेंडम में होगी, लेकिन उसके साथ राइट्स हैं वो किधर होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। ये कंसेप्ट आगे हमारे काम आएगा कि राइट्स शेयर के साथ जो अटैच होते हैं कहां लिखे होते हैं, आर्टिकल में। शाबाश, ये कंसेप्ट हमारा आगे। अब आते हैं काइंड्स ऑफ शेयर। दो टर्म्स लॉ में बोली जाती है शेयर के हवाले से, एक काइंड ऑफ शेयर, एक क्लासेस ऑफ शेयर। काइंड ऑफ शेयर से मुराद है कि ऑर्डिनरी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। काइंड ऑफ शेयर से क्या मुराद है? ऑर्डिनरी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। क्लासेस से मुराद है उसकी डिफरेंट आगे फर्दर क्लासेस, उसके डिफरेंट क्लासेस, फर्दर क्लास। जैसे यू समझ लीजिए, हमारा जो ये सीए है या जी जो इसमें फिलहाल कैफ लेवल तक एग्जांपल दे रहा हूं, सी फाइव कुछ बोल, इसमें दो काइंड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, दो काइंड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, एक पीआरसी के, कैफ के। एंट्री के वक्त हर स्टूडेंट के नाम के आगे लिखा जाता है, पीआरसी की लैदा कैटेगरी उनका कैंपस भी लैदा, कैफ की लैदा स्टूडेंट्स उनका कैंपस लैदा। तो काइंड से मुराद क्या है? ब्रॉड लेवल की कैटेगरी, ऑर्डिनरी शेयर के प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ईच काइंड में हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। हर काइंड के अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। जैसे फर्ज कीजिए, हम अगर अपनी क्लास की बात करें, है ये काइंड सेपरेट काइंड, लेकिन इसके अंदर भी दो क्लास, जैसे एक मेल स्टूडेंट्स एक फीमेल स्टूडेंट्स, ये है क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स या क्लासेस ऑफ शेयर। तो क्या कहता है कि शेयर कैपिटल मे हैव डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट क्लासेस, ये ज़हन में रखिएगा। बाज़ुकात कुछ ऐसा चेंज होता है कंपनी के अंदर जिससे एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी को फर्क पड़ता है। जैसे फर्ज कीजिए, मैं ये कहता हूं जी, अब कंपनी लॉ की क्लास होगी शाम को 7 बजे, 3 घंटे का। ठीक है, अब देखें मेल वाली साइड से फोन कर दिया, ठीक है, और फीमेल साइड से कुछ ने कहा नहीं सर। तो बाज़ुकात कंपनी के अंदर ये क्लासेस क्यों की जाती है, ये मैं समझा रहा हूं। बाज़ुकात कंपनी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो एक क्लास को इफेक्ट करती है, दूसरी क्लास को इफेक्ट नहीं करती, या हो सकता है एक ही फेवर में हो दूसरे के अगेंस्ट में हो। तो मुझे बताइए, क्या मैं ये कहूं चूंकि मेरी क्लास में मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट मेल स्टूडेंट है तो इसलिए मेल स्टूडेंट से जो कह दिया वही फैसला होगा, या कि एक अगर सेपरेट क्लास ऑफ स्टूडेंट है जो इफेक्ट हो रही है, एक तो पूरी क्लास का रेजोल्यूशन पास कर लेनी चाहिए, फिर अलहदा से स्पेसिफिकली अफेक्टेड क्लास की भी अप्रूवल लेनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन कब लेनी चाहिए? अगर उनके राइट्स इफेक्ट हो रहे हो तो अगर उनके राइट्स इफेक्ट नहीं हो रहे फिर अफेक्टेड क्लास की, याद रखिए अफेक्टेड क्लास होगी तो अप्रूवल। फर्स्ट कीजिए रेजोल्यूशन ये है जी, इस संडे को बॉयज के लिए स्पोर्ट्स गाला होना है, तो क्या संडे को करवा लें? ठीक है, अब जाहिर है जो अफेक्टेड क्लास कौन है, तो अब इफेक्टेड इसका डिसीजन लेना है। तो कभी अब ये डिसीजन पे डिपेंड करता है इफेक्टेड क्लास कौन सी होगी। फिर से सुन लीजिए, अगर कंपनी में कोई ऐसी रेजोल्यूशन ऐसा डिसीजन पास हो रहा है जिससे कोई क्लास इफेक्ट हो रही है, एक तो होता है ना पूरे का पूरे शेयर होल्डर, एक होता है स्पेसिफिक क्लास, तो हमें उस स्पेसिफिक क्लास की भी अप्रूवल लेनी है। लेकिन ये इफेक्टेड क्लास होगी कौन, इट डिपेंड्स। कभी क्लास ए इफेक्टेड होगी, कभी बी होगी, ये रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो आपको यहां पे समझा क्या रहा है, कह रहा भाई शेयर जो होते हैं ना, शेयर्स या शेयर कैपिटल भी कह लें, शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने शेयर कैपिटल बन जाता है। शेयर्स के डिफरेंट काइंड्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस, ये तो आप समझ गए होंगे। हर शेयर्स की आगे डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, हर शेयर्स की आगे डिफरेंट क्लासेस हो सकती है, यानी ऑर्डिनरी शेयर की भी क्लास ए और क्लास बी हो सकती है, और प्रेफरेंस शेयर की भी क्लास ए और क्लास बी। सवाल यहां पे ये है सबसे बड़ा
कि अगर ऑर्डिनरी शेयर्स एक दफा रजिस्टर्ड हो गए, इनकी डिफरेंट क्लासेस करने की जरूरत क्या है? इनके हाँ डिफरेंट क्लासेस इस वजह से की जाती है, इनके राइट्स वेरी होते हैं। राइट्स क्यों वेरी होती है, इसके लिए आपको थोड़ा ना प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। देखें, अगर आपके पास ऑर्डिनरी शेयर है ना और सिर्फ एक ही क्लास है, बाज औकात जब आपने नए शेयर इश्यू करने होते हैं ना तो नया इन्वेस्टर कोई नहीं आता। वो कहते हैं सर मैं इन्वेस्टमेंट तब करूंगा जब आप मेरे राइट्स थोड़े ज्यादा करेंगे, मेरे राइट्स थोड़े ज्यादा करेंगे। इसलिए याद रखें हमें फिर मजबूरन क्लास ए के साथ एक न्यू क्लास को ऐड करना पड़ता है, क्लास बी। और क्लास ए और क्लास बी में फर्क क्या होता है? राइट्स का। ठीक है कि हम राइट्स वेरी कर देते हैं, और राइट्स में बड़े राइट्स दो तीन ही हैं, वोटिंग राइट्स और डिविडेंड का राइट्स। ठीक है, राइट टू टेंड एजी है वो तो सभी का होगा ना, सारे शेयर होल्डर का। जो राइट्स डिफरेंट होते हैं वो वोट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी शेयर की भी आगे फर्दर क्लासेस हो सकती हैं और प्रेफरेंस शेयर की भी आगे फर्दर क्लासेस हो सकती हैं। ये बात समझ आ गई? तो शेयर्स, अब मैं लाइन बोलने लगा हूं, आपने मुझे बताना इसकी समझ आई कि नहीं। शेयर्स मे हैव डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस। काइंड्स ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है? ऑर्डिनरी शेयर के प्रेफरेंस शेयर्स। क्लासेस ऑफ शेयर का मतलब क्या है? क्लास ए के क्लास बी। ठीक है, अब हमने आगे क्या पढ़ना और समझना है? कुछ भी नहीं, क्यों नहीं समझना है, क्यों नहीं समझ हम? अच्छा चले ठीक, जब भी समझेंगे हम ये समझेंगे कि ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का क्या फर्क है। भाई ऑर्डिनरी शेयर जब दुनिया में थे तो प्रेफरेंस शेयर्स की क्यों जरूरत पड़ी, इनका क्या फर्क है? और फिर क्लास एक ही काइंड के अंदर क्लास ए और क्लास बी, इन दोनों में क्या फर्क है? जब क्लास ए मौजूद थी तो क्लास बी लाने की क्या जरूरत थी? पहले हम इसकी जस्टिफिकेशन को सोचेंगे, फिर इसके बाद डिफरेंस देखेंगे। क्या डिफरेंस? के ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का क्या फर्क है और क्लास ए और क्लास बी का क्या फर्क है। क्लियर जी? चलिए, अच्छा फिर होम असाइनमेंट आप इस लिहाज से, मैं आपको चले व्हाट्सएप कर दूंगा, जितना हमने पढ़ा उस लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये व्हाट्सएप कर दूंगा। आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।